हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। और फाइनली आज हमारे पास में आ चुके महिंद्रा थार रॉक्स। महिंद्रा थार रॉक्स जिसका बहुत टाइम से इंतजार था, अब कानपुर में अवेलेबल हो चुकी है। फिलहाल मेरे पास में खड़ा हुआ सेकेंड टॉप मॉडल AX5L, और इस वेरिएंट में भी भाई बहुत धमाल की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप सेकेंड टॉप मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो, उसमें क्या कुछ मिलने वाला है सारी बात करेंगे इस वीडियो पे। कितने वेरिएंट रहने वाले हैं एक ही चीज़ बात करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन चैनल पर नए तो प्लीज़ हिट हमल को सब्सक्राइब कर लेगा, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। सो बिना किसी तरीके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो भाई ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है 12,99,000 से लेकर 18,99,000 रुपये की एक्शन कीमत में, जिसमें कि आपको सबसे टॉप मॉडल मिल जाता है। फिलहाल अभी इस गाड़ी की बुकिंग नहीं हो रही है, बुकिंग बाद में भी होगी, लेकिन अभी आप इसको शोरूम में आराम से देख सकते हैं। और बुकिंग तो खैर बाद में भी होगी, अभी तो कंपनी ने इसे अभी फिलहाल शोरूम में इसकी बुकिंग नहीं ली जा रही है। तो इसके फ्रंट लुक को अगर आप देखेंगे तो भाई ये बहुत ही शानदार लुक के साथ में आ जाती है। फ्रंट लुक एक अपना अलग लेवल का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कलर थोड़ा सा नया कलर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में महिंद्रा का लोगो है। और ये चीज़ जो अगर आप देखेंगे, इसमें DRLs एक्चुअली दिए गए हैं, ये सी टाइप DRLs आपको दिए गए हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको देखने के लिए मिल जाती है। बोनट अगर आपको ओपन करना है तो साइड में यहाँ पे दे दिया जाता है। ये आपके लाइट्स मिलेंगे जो कि अब इसके लिए हजार्ड्स में वर्क करेंगे, या फिर अगर आपको इंडिकेटर में देखेंगे तो आपको वर्क करेंगे। LED बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे दे दिया जाता है, फॉग लैम्प्स आपको दे दिए जाते हैं। सो काफ़ी बेहतर सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। फ्रंट का लुक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलने वाला है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको क्या है, स्कॉर्पियन वाली जो चीज़ें लग्जरी वाली चीज़ें वो भी आपको इसमें ऐड कर दी गई हैं। और अब आपको ये 5 डोर के साथ में अवेलेबल हो जाती है, जो कि अपने आप में बेहतर चीज़ है। ये गाड़ी मतलब उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं थार इस वजह से नहीं ले पा रहे थे कि भाई उसमें क्या था, कंफर्ट नहीं था। फैमिली वाले लोग मना कर रहे थे कि भाई फैमिली में हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, पीछे बैठने में दिक्कत होती है। तो भाई अब इस गाड़ी में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपको इसमें लग्जरी के साथ में ऑफ रोडिंग भी कर पाएंगे। सो ये तो बात हो गई फ्रंट लुक के बारे में। एक बार मैं आपको इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो साइड प्रोफाइल में ये चीज़ आपको बता दें, ये हमारे पास में सेकेंड टॉप मॉडल है। और सेकेंड टॉप में बेसिकली क्या है कि 18 इंचेस के अलॉय व्हील आपको दे दिए जाते हैं। एंड इसके ऊपर जो टॉप मॉडल है आता है AX7L में आपको मिलेगा 19 इंचेस। तो इसके पहले क्या है, AX7L बेसिकली सबसे टॉप मॉडल है, उसमें आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील दिए जाते हैं। और उसके नीचे जितने भी आपको मॉडल मिलेंगे सभी में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। क्या प्रोफाइल रहने वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेंजर के टायर आपको मिल जाते हैं। एग्जैक्टली टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 255/65 R18 का टायर साइज आपको मिलेगा। डायमंड कट अलॉय व्हील आपको दे दिए जाते हैं, ऑल डिस्क ब्रेक के साथ में आ जाता है। एंड जो टॉप मॉडल है उसके जो अलॉय व्हील है उसका डिज़ाइन भी आपको थोड़ा सा अलग से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका इंडिकेटर आपको आ जाता है। थार रॉक्स की बैचिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। साइड में आप देखेंगे ब्लैक कलर का थार का या जो ORM वो आपको मिल जाता है, ये मैनुअली आपको मिलेगा। तब ब्लैक कलर का ORM, ब्लैक कलर का डोर हैंडल आपको मिल जाता है। एंड ये वाला जो डोर है जो एक्चुअल में बढ़ चुका है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। और पीछे जो लोगों को पहले दिक्कत होती थी थार में चढ़ने के लिए, फैमिली में दिक्कत होती थी, तो अब वो सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। फिलहाल मैं एक्सटीरियर में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली आपको सेम बॉडी कलर का आपको मिलेगा। यहाँ पे डुअल टोन कलर का यूज़ किया गया, लाइक एक बॉडी कलर दूसरा आपको मिलेगा ब्लैक कलर का आपको मिल जाता है। सो ये चीज़ काफ़ी बेहतर आपको मिलेगी। थर्ड वाली जो क्वार्टर विंडो आपको ब्लैक कलर में ही आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपके पास महिंद्रा मिलेगी जो थोड़ा सा चढ़ते हुए मिलेगी, और ये थोड़ा सा अलग लुक दे देती है। एक बात देख लेते हैं इस गाड़ी का ब्लैक यानी कि सबसे रियर प्रोफाइल बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सो रियर में आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं थार रॉक्स का ये है। एंड इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से पहले नीचे आपका ओपन होगा, और जो बूट स्पेस है भाई, बूट स्पेस आपको तगड़ा मिलने वाला है। मतलब सारी सीटें आपकी फोल्ड लाइन मतलब इस टाइम पर आराम से, और जो बूट स्पेस काफ़ी बेहतर आपका मिल जाता है। इसको भी आप ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। सो बहुत शानदार बूट स्पेस मिलने वाला है, और आराम से कहीं अगर घूमने के लिए गए हैं तो कुछ इस तरीके से पीछे बैठ सकते हैं, काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लग्जरी भी है, ऑफ रोडर भी है, और हर एक चीज़ के लिए कैपेबल भी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सो ये है रियर साइड का लुक, काफ़ी बेहतर और बहुत अमेजिंग सा लगा मुझे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको भी फोल्ड कर सकते हैं। फिलहाल इसे वापस से ओपन करते हैं।
सो दिस इज थारॉक्स रेयर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, डिफॉगर आपको मिलेगा, इवन वॉशर वाइपर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो काफ़ी बेहतर बेहतर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रेयर की जो लाइट है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती हैं, रेयर में आप देख सकते हैं, एंड पार्किंग सेंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रेयर में। यहाँ पे आपके पास में कैमरा मिलेगा, कैमरा एक्चुअल में क्या है बीच में आपको मिल जाता है ये, तो यहाँ पे आपके पास में रेयर में कैमरा मिल जाता है, पार्किंग सेंसर भी है, डोर लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। सो ये है आपका गाड़ी का एक्सटीरियर। अब वेल ये तो बात होगी सारी एक्सटीरियर की बात, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं भाई इस गाड़ी के इंटीरियर में क्या धमाल मचा है, क्योंकि इंटीरियर के लिए लोग पागल होकर रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर हमारे पास में ब्लैक कलर का मिलता है, थोड़ा सा इसकी यूएसपी अलग है, जो आप डोर ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही शानदार थार की यहाँ पे बैजिंग आपके पास में आ जाती है, चारों पावर विंडो है, ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर साइड की विंडो मिलेगी, ओआरएम के सारे कंट्रोल है, इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर में मिल जाता है क्रोम में, फन इंडर की बोतल कैरी कर सकते हैं इधर आप, और अगर आपको एंटर करना है तो यहाँ पे आपके पास में ग्रैब हैंडल है, आप इसको पकड़ के आप आराम से एंटर कर सकते हैं। सो वाओ, कंफर्ट इसमें काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही शानदार गाड़ी आ जाती है, ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्कॉर्पियो एन में बैठे हैं सच में, मतलब कि और काफ़ी शानदार आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल जो है आपके पास में, स्टेयरिंग जो आपका सीट है बेसिकली मैनुअल आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे। वेंटिलेटेड सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलेंगी, वो आपको टॉप मॉडल में आपको दी जाती हैं। यहाँ पे मेरे पास में देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल है, और यहाँ पे आप फ्यूल लिट का ऑप्शन है, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप असिस्ट है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, पार्किंग के लिए असिस्ट है, एंड लाइट्स के लिए मिल जाता है, हेडलैम्प आपका लेवलर आपको यहाँ पे मिलेगा, फोर स्पीकर फोर ट्यूटर आपको इसमें दे दिए जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपके पास में यहाँ पे मिलेगा, एंड अगर आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट करना है तो आप टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलेगा। क्या क्या चीज़ें हैं, वेल चाबी भाई एक बार देख लेते हैं गाड़ी की, चाबी जो है आपकी एक्चुअल में की फॉक एज यूजुअल जो पहला दे रहा था महिंद्रा, सेम बिल्कुल वैसे ही आपको मिल जाती है, लॉक ऑन का बटन, बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन, सो कुछ इस तरीके से आपको की आपको मिलेगी। बाकी एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वेल जब आप इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, देख सकते हैं 26.03 सेंटीमीटर का आपको जो स्पीडोमीटर जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको मिल जाता है, फुल्ली एलईडी में आपको मिलेगा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडास लेवल 2, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। एक बार मैं आपको स्टेयरिंग पे दिखा देता हूँ कि स्टेयरिंग पे क्या क्या कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। वेल जो स्टेयरिंग रैप है ये आपका लेदर रैप आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड कुछ मीडिया के कंट्रोल्स हैं, कॉल रिसीव कॉल कट करना, वॉइस कमांड हो गया, SRC हो गया, एंड राइट साइड आपके पास में क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हैं, एंड 6 एयरबैग के साथ में गाड़ी आ जाती है। सेफ्टी के मामले में गाड़ी बहुत 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 ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, एंड जो प्रीमियम लुक जो इस गाड़ी में दिया गया वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। राइट लेफ्ट साइड मेरे पास में वाइपर्स के कंट्रोल है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास में सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे रेन सेंसर वाइपर आपको मिलेगा, एंड राइट साइड मेरे पास में लाइट्स के कंट्रोल है, ये है आप देख सकते हैं DEF लेवल इंडिकेशन आपको देखेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं, फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखेगी, एंड इस टाइम पे 9.5 KMPL का आपको दिखा रहा है, जिप जैप जो मोड है बेसिकली वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे दिखाएगा कौन सा गियर है इस टाइम पे वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। फिलहाल ये मेरे पास में ऑटोमेटिक है आप देख सकते हैं, 26.03 सेंटीमीटर का बेसिकली आपका ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में आ जाता है, एंड रियर का जो कैमरा है उसकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी बेहतर आपको मिलेगी। सो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं हमारे पास में मोड भी आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल है, मैक्स AC एक फंक्शन आपको मिल जाता है, जिससे कि आप अगर गर्मी में मतलब गाड़ी खड़ी हुई है तो आप मैक्स AC ऑन करके अपनी गाड़ी को ठंडा रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप अपना एयरबैग भी ऑफ कर सकते हैं, ड्राइव मोड अलग अलग ऑप्शन आपके पास में आ जाते हैं, जैसे मैंने भी देख सकते हैं यहाँ पे जिप जूम स्नो मर्ड सैंड अलग अलग आपके पास में ड्राइव मोड यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी एक बार इसका मैं होम पे देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, रेडियो म्यूज़िक हो गया, फ़ोन हो गया, एडवेंचर स्टेट्स है, नेविगेशन भी आपको इसमें मिलेगा, एप्लीकेशन इससे खुद के आपको मिल जाते हैं, अगर आपको टेम्परेचर है यानी कि जो इसके AC के कंट्रोल्स हैं उसका भी कंट्रोल आपके पास में यहाँ पे सामने आ जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं
लग्जरी वाली जो चीज़ें जो कमी महसूस हो रही थी थार में, एक्चुअल में वो सारी कुछ इसमें आ चुकी हैं। फैमिली के लिए भी बेहतर है, कंफर्ट भी बेहतर है। लॉन्ग ट्रिप में अगर आप जा रहे हैं ना, तो जो थकान होती थी पहले वाली थार में ना, तो वो एक्चुअल में थकान इसमें आपको नहीं मिलेगी। और एक चीज़ ये भी है कि महिंद्रा ने क्या किया है, 3 डोर थार को निकालने के लिए भाई उसमें 1.5 लाख रुपये का डिस्काउंट दिया है। मतलब जितने भी वेरियंट हैं जिसमें कि आप एक्स्ट्रा पे करते हो, तो अब आपको उसमें 1.5 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी भी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, और लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं तो भाई काफ़ी बेहतर गाड़ी है। खैर, अब तो महिंद्रा थार रॉक्स आ चुकी है, इसकी वेटिंग तो कहने ही क्या, बहुत लंबा तगड़ा वेटिंग होने वाला है। अभी तो कंपनी इसकी बुकिंग भी नहीं ले रही है, शोरूम में आप जाएंगे शोरूम में कोई बुकिंग नहीं ले रहा है, आप गाड़ी को सिर्फ देख सकते हैं पूरा तक। बाकी दोस्तों देख सकते हैं डे नाइट रियर व्यू आई आर वी आपके पास में आ जाता है। ये है आपका सनग्लास होल्डर एंड सनरूफ आपको कुछ इस तरीके से आपको इसमें मिलेगी। पैनारोमिक सनरूफ एक्चुअल में पूरी तरीके से नहीं है, यहाँ पे हाफ सनरूफ आपके पास में अवेलेबल हो जाती है। बाकी लेफ्ट साइड ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे आपको हैंडल आपको दे दिया जाता है। एंड ये आपका एक लॉक के लिए सिस्टम है। सो दिस इज़ थार रॉक्स। एक बार मैं आपको इसका जो इंजन ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इंजन ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 इंजन ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला है आपका TGDI यानी कि टर्बो इंजन ऑप्शन, जो कि TGDI एम स्टॉलिन का मिलेगा रियर व्हील ड्राइव में, जिसमें कि पहला 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स साथ में आ जाता है, जो प्रोड्यूस करेगा 159 BHP पावर एंड 330 Nm का टॉर्क। एंड दूसरा आपका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, वो प्रोड्यूस करेगा आपका 174 BHP पावर एंड 380 Nm टॉर्क। लास्ट में एक आपका 111.9 kW का पावर जनरेट करेगा एंड 330 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एक दूसरा इंजन है जो कि बेसिकली डीजल में है। डीजल के अगर मैं बात करूँ तो डीजल में आपको मिलेगा डीजल कॉमन रेल डायरेक्ट इंजन इंजेक्शन, एंड वो है आपका एम हॉक रियर व्हील ड्राइव। इसमें आपको 4x4 भी आपको अवेलेबल हो जाता है। एंड ये आपका पड़ेगा 2.2 लीटर का इंजन। इसमें बेसिकली आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, वो प्रोड्यूस करेगा 150 BHP पावर एंड 330 Nm टॉर्क। दूसरा है आपका 6 स्पीड मैनुअल 150 BHP पावर एंड 330 Nm का टॉर्क। एंड एक लास्ट है आपका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, ये प्रोड्यूस करेगा आपका 170 Hp एंड 370 Nm टॉर्क। सो ये सारे इसकी चीज़ें हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एडास लेवल में बेसिकली आपका यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपके पास में आ जाती हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं आपको इसमें जानने के लिए। सो एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इस गाड़ी के सेफ्टी से रिलेटेड। एंड सो बेसिकली एडास लेवल 2 में यहाँ पे आपके पास ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग व्हीकल्स आपको मिलेगा, प्लस में क्रूज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपके पास आ जाता है, लेन कीप असिस्ट हो गया, स्मार्ट पायलट असिस्ट हो गया, हाई बीम असिस्ट हो गया, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, बहुत सारे फीचर हैं जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं और ये काफ़ी अल्टीमेट आपके पास में हो जाते हैं। दूसरा चीज़ इसमें अगर आप सेफ्टी वाइज अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी में भी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि भाई ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में काफ़ी बेहतर है। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपको मिलेगा, ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलेगा, ई कॉल एंड SOS की सुविधा मिल जाती है, ESC EBD, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल आपको मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट आपको मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, रोल ओवर मिटिगेशन हो गया, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल हो गया, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल BLD आपको मिलेगा, ब्रेक डिस्क वाइपिंग आपको मिल जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, और इसमें आपको 5 dual tone कलर्स ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। सो ये तो बात हो गई गाड़ी के बारे में। इंजन ऑप्शन मैंने आपको बताया क्या क्या फीचर्स हैं, बेसिकली वो आपको मैंने दिखा दिया। अब देख लेते हैं बीच में, वेल ये मेरे पास में फिलहाल ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा। की आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलेगी, ऑटो होल्ड का भी फंक्शन आपके पास में आ जाता है। जो छोटे छोटे कप होल्डर हैं फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर मार्कस का ये रखा हुआ है। आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सो काफ़ी सही है पूरा। वेल ये है थार रॉक्स। ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड की मैंने आपको बात बता दी, आप देख लेते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली बैठेगी, क्योंकि भाई मुद्दा तो मेन बात का फैमिली का है ना, फैमिली को भी कंफर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोर जब आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से 90 डिग्री डोर ओपन हो जाता है, बहुत आराम से कोई भी पर्सन बहुत प्यार से आराम से अंदर बैठ सकते हैं। बिल चलते हैं गाड़ी के अंदर, इस हैंडल को पकड़ के आपको अंदर आना होगा। और वाव, स्पेस के मामले में तो भाई गाड़ी काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि स्पेस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। आपके पास में अच्छा खासा लेगरूम आपको मिलेगा, हेडरूम भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, एंड सीट जो है आपके रिक्लाइन वे में कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
सीट आप रिक्लाइन कर सकते हैं। कंफर्ट बहुत प्यारा है, सच में कंफर्ट के मामले में गाड़ी बहुत प्यारी है और आराम से आप इसे रिक्लाइन कर पाएंगे। सो अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है तो आप साइड से रिक्लाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे साइड में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। सो कुछ इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, फोल्ड भी कर सकते हैं और हाईएस्ट आप इतना रिक्लाइन कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। वेल दिस इज़ थार रॉक्स। ऊपर आपको यहाँ पे लाइट भी आपको दी गई है साइड साइड में, तो ग्रैब हैंडल भी है, पावर विंडो भी आपको हो जाता है। रियर में एसी के वेंट्स आपको मिलेंगे, टाइप सी यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट है, फ़ोन रख सकते हैं इजिली अपना आराम से। सो ये है आपकी थार रॉक्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये बेसिकली AX5L मॉडल है जो कि मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया। अगर आप चाहें तो इसका टॉप मॉडल या इसके जो बेस मॉडल है वो भी जल्दी आने वाले, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ डू मोर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको शॉर्ट में वीडियोस चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ में। थैंक यू सो मच।